ये क्या शुरू, देखो तो सर इसको, इसके कमरे का हाल तो देखो क्या हुआ है। देख के माँ बेग, अरे माँ बेगम ये तो तबाही मची हुई है, इतनी तोड़ फोड़, ये सब मुर्तसिम ने किया है। ये तो वो कमरा ही नहीं है, मुर्तसिम तो ऐसा है ही नहीं, ये कमरा नहीं बिखरा हुआ, ये मुर्तसिम की रूह, उसका दिल, उसका दिमाग है जो बिखरा हुआ है। उसके अंदर क्या हलचल मची हुई है कोई कैसे समझ सकता है। हया तुम मुलाजमों से कहो इसकी सेटिंग बदल दे, बल्कि ऐसा करो फर्नीचर बदल दो, इस कमरे का सब कुछ बदल दो, उसे मीरब का ख्याल भी ना आए, मेरे बच्चे को कितनी परेशान। माँ बेगम मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ जल्दी से ये सब बदल दो, मेरे मुतसिम भूल जाए कि मीरब ने उसके साथ क्या किया, किस तरह बिखर गया मेरा बच्चा। ये सब ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा नहीं सोचा था कभी मैंने। मुत्तसिम तुम्हें क्या हो गया बेटा? मेरे बच्चे बस बेटा थोड़ी सी हिम्मत कर लो, रक्षा ले आया फर्रू बाहर। बैठे प्लीज। तो साहब आप सब ठीक है ना, खैरियत है? जी जी सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है। मुबारक हो बहुत बहुत। क्या मेरे कमरे की सेटिंग किसने चेंज की है? मैं हया ने। क्यों? क्योंकि जो हाल तुम उसका करके गए थे उसे ठीक तो करना था। और वैसे भी वहां से मीरब की यादें जुड़ी हुई, अच्छा ही हो तुम्हें याद ना आए। अभी इसी वक्त मुझे मेरे कमरे की वही सेटिंग चाहिए। तो फिर तोड़ कर क्यों गए थे? मेरी मर्जी, जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूंगा। मुर्तसिम भुला दो मीरब को, समझो जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं थी, उसका पीछा छोड़ दो, भुला दो उसे, मत ख्वार उसके पीछे। कभी नहीं। अगर मैं अपना शौक ना ख्वाब भूल सकता हूं, ये गद्दी संभाल सकता हूं, तो इस गद्दी को छोड़ भी सकता हूं।
आपके कहने पर उससे शादी कर सकता हूँ, लेकिन आपके कहने पर उसे छोड़ नहीं सकता। मैं उसे ढूंढता रहूंगा क़यामत तक, चाहे वो मुझे मिले या नहीं, मैं अपनी तलाश जारी रखूंगा। और तुम जाओ मेरे कमरे से, मैं इस घर से दूर कर दूंगा। मैं क्या करूं? मुर्तसिम मेरा शेर बेटा है, और शेर जब बिफरा हुआ होता है ना, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, जंगल में तबाही आ सकती है। चली गई थी तो अपनी यादों को भी साथ लेकर जाती। पहले मीरब से मुकाबला करते करते मुर्तसिम हाथ नहीं आया, अब उसकी यादों ने छीन कर रखा है। क्या मुझे कभी सुकून के दो पल नसीब नहीं होंगे? मीरब खुदा पूछे तुम्हें। तुमने तो कहा था तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों खाला, एक आता ना इसने क्या, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो ये क्या है? बोलो, जवाब दो हमको, या तुम्हारा मर्जी फर्रुख। बस लाला, अब इसको वहां से उठा कर लेकर आया था क्योंकि हमें लगता था ये मजबूर है। हम तीनों ने इसको अपना समझा, लेकिन ये हमको अपना नहीं समझती, इसलिए इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। मीरा, सच बताओ हमें, ये सब क्या है? तुमने सच क्यों छुपाया, क्यों झूठ बोला हमसे? जो छुपा रही थी ना, वो आधा सच सामने आ गया। अब बाकी का सच हम तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते। बताओ हमको, अगर मुझमें इतनी हिम्मत होती कि मैं आप लोगों को सच बता सकूं, तो मैं आप लोगों को उसी रात ही सच बता देती। और तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम हैसियत, तुम हमसे हमारा हैसियत पूछते? हमारा हैसियत वो है
जो उस रात को उस वीराने वाली सड़क से उठाकर तुम्हें यहां लेकर आया था। इनके पास पना दिया था और तुम हमसे हमारा हैसियत पूछते। देखो मेरे, अब आखिरी बार पूछते, अब मैं सच था कोई गुम हो गया? मेरा मतलब है को ऐसा लगता है तुम लोग किसी को ढूंढ रहे। नजर ना आना। अच्छा, वो मुर्तसिम खान, वो शोर है ना तुम्हारा? हाँ, मुर्तसिम खान शोर है मेरा। मुर्तसिम खान वो है जिससे मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैं नहीं चाहती थी। मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। लेकिन खाला, हमको लगता है वो इसको ढूंढ लेगा। फिर अब कब तक चुपते फिरोगी? होगा वो कितना भी ताकतवर, लेकिन अगर मीरा उसके साथ नहीं जाना चाहती तो ये नहीं जाएगी। अब इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। और यही मेरा सच है और यही उसके साथ मेरा रिश्ता है जिससे मैं भाग रही हूं और छुप रही हूं। और अगर मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती ना, तो कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता। मैं किसी के सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हूं। ये सजा मैंने अपने लिए खुद मुंतखब की है। चलो, अब तो सारा सच खुलकर सामने आ गया ना। एक मिनट फरुख, मुझे बात करने दो। मीरा, मुझे ये बताओ, तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? फिर अपने शौहर को छोड़कर क्यों आई? तो मेरा जाती मामला है, बस मेरे पास इसका जवाब नहीं है। झूठ, एक और झूठ। देखो मेरा, तुम समझ नहीं रही हो। देखो खाला, देखो लाला, इसका जो शौहर है ना मुर्तसिम खान, वो हम तीनों को छोड़ेगा नहीं। उसको पता चल गया ना कि उसका बीवी हमारे पास है और हमने पना दिया, खुदा का कसम हम तीनों जेल में सड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम जेल की चक्की पीसते रहे। ये मेरी जिंदगी मेरी खुद की मुंतखब की गई है। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप लोगों को कोई सजा नहीं मिलेगी ना। वो मुर्तसिम खान से कोई बात नहीं है,
वो हम तीनों को नहीं छोड़ेगा। मैं इसीलिए यहाँ से जा रही ताकि आप लोगों को कुछ ना हो। अरे अरे रोको उसको, जाने मत दो, रोको रोको उसको। खाला जाने दो। क्या कह रहे हो तुम? देखो वो कहाँ जाएगी अकेली। बेटा तुम अभी गुस्से में हो, अगर उसे खुदा ना करे कुछ हो गया ना तो तुम खुद को कभी माफ नहीं करोगे। खुदा के लिए रोक लो उसको, जाओ। रुख जाओ, रोको उसे, रोको। मीरब, मीरब कहाँ जा रही हो? पता नहीं, कहीं भी चली जाऊंगी। देखो मीरब, हम जानता हूं हमने जो कुछ भी कहा बहुत गलत कहा। हम बहुत गुस्से में था, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत हैरान कन था। मेरा हम बस एक बात जानते हैं, इस दरवाजे के बाहर कदम रखेगा ना तो बाहर घर नहीं सड़क होगा। सड़क पर कोई अपना नहीं होता। अपना नहीं तो कम से कम सोने वाले बच्चे का ही सोच। खाला रुकैया का सोचो, लाला का सोचो। अपने बेटी की तरह प्यार करते हैं तुमसे, माफ कर दो हमको। जाओ अंदर जाओ। देखो बेटा, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी और ना तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम अपने शौहर के घर वापस चली जाओ। तुम्हें बेटी कहा नहीं है, तुम्हें दिल से बेटी मानती हूं। और ये बच्चा भी हमारा अपना ही है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और हाँ, वो तुम्हारी दवाओं का पर्चा कहाँ है? मैं तुम्हें दवा मंगा देती हूँ। इतना तुम्हें बहुत ख्याल रखना है बेटा। मेरे ख्याल से फारूक के पास ही है। चलो ठीक है, मैं ले आती। अरे अल्लाह मेरे। अब आंटी आप बैठे, मैं ले आती हूँ। अरे बेटा मैं ले आऊंगी, तुम कहाँ जाओगी? कोई बात नहीं,
दूसरी गली में तो घर है उसका। चलो बेटा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे परवरदिगार, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह इस बच्ची का नसीबा अच्छा कर दे। मालिक मेरी बच्चियों की तरह आएंगे, अल्लाह इसके सारे दुख दूर कर दे। खाला, हमको लगता है वो इसको ढूंढ लेगा। फिर अब कब तक चुपते फिरोगे? शादी मुर्तसिम से मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। जबरदस्ती हुई थी। मैं मिला हूं उससे, मुझे तो इतना बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं है वो, वो बुरा नहीं, मेरे हालात बुरे थे। उन हालात में किसी से भी शादी होती तो मुझे बुरा ही लगता, शादी जबरदस्ती की लगती। मैं समझा नहीं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम मना कर देती, भाग जाती। सही कह रहे हो, उस वक्त भागना चाहिए था मुझे। उस वक्त सब कुछ छोड़ देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन माड़ा तुमने गलती की है। अच्छा शौहर, अच्छे माँ बाप, अच्छा घर, सब कुछ छोड़ दिया तुमने। मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरी माँ ना मेरा बाप। ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगता अगर तुम्हें ये पता चलता कि जो तुम्हारा बाप है वो असल में तुम्हारा बाप नहीं है, जो तुम्हारी माँ है वो दर हकीकत तुम्हारी माँ नहीं है, वो घर तुम्हारा नहीं है,
तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरे ख्वाब थे, मैं तालीम हासिल करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, एक पल में हर चीज खत्म कर दी। मेरे माँ बाप, मेरा घर, मेरा बचपन, मेरे ख्वाब, सब कुछ। मुझे गांव में ले जाया गया, मेरी वहां जबरदस्ती शादी की गई, वहां की रिवायतें, वहां के उसूल, जिनका मुझे कभी पता ही नहीं था। उस सबको छोड़कर आई हूं, कौन है? पुलिस आई है, दरवाजा खोलो। बड़ा, तुम अंदर जाओ, मैं बोलूंगा फिर आना, बाहर मत निकल। आ रहा हूं। पुलिस आई है, दरवाजा खोलो। जी, क्या कहा? हम किसी को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे घर की तलाशी लेने आओ सामने से। साहब यहाँ कोई नहीं है। चलो अंदर जाओ, तलाशी लो जरा। साहब अंदर कोई नहीं है, हम अकेले रहते हो। आराम से खड़ा रहे। आपने हमको पहचाना? वो हम सबा बाजी के घर पे आया था, वो मासी को उठाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, हमारा घर में कोई नहीं है, हम अकेला रहते। मालिक, ये यहाँ किसी से मिलने आया? वो नहीं, वो अब मिलने नहीं आया, वो किसी को वो उठाते हैं, रिक्शा चलाते हैं हम। कौन सवार है तुम्हारा? मासी है या काम करता है, उसको उठाता। पिछली बार का बात है, एक महीना पहले याद है, मुलाकात हुआ था हमारा। वो क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हैं साहब? कोई गुम हो गया? मेरा मतलब है को ऐसा लगता है तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। कुछ बहुत कीमती। वो कोई नहीं रहता यहां पे, कहां साहब? कोई नहीं है उस कमरे में।
ये कहाँ चला गया? देखा खान, हम आपको कह रहा था अंदर कोई भी नहीं, हम अकेला रहता है। मुझे अड्डे से पता चला पूरे शहर में उसके आदमी पहले हुए हैं। और पुलिस, पुलिस वाले इसको ढूंढ रहे हैं बस के अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, अस्पताल में, पता नहीं कहां कहां वो ढूंढ रहा है इसको पूरे शहर में। ये प्रिस्क्रिप्शन किसकी है? वो हमारा। आप बनने वाले हो ये मां? ये ऐसे नहीं बताया, इसको थाने ले जाके इससे पूछना पड़ेगा। खान, खान हमको माफ कर दो। खान मेरी बात सुनो, खान 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 मेरी बात सुनो, मैं झूठ झूठ बोल दिया आपसे खान। ये मेरा बीवी है, वो माँ बनने वाला, हम बाप बनने वाला, वो नाराज होकर चला गया, बहुत फोन किया। खान खान देखो मेरा, मुझे माफ कर दो खान। खान खान गलती हो गया, खान नाराज होकर गया, मेरा बीवी का वास्ता। खान मेरा बात तो सुनो खान, खान माफ कर दो। चलो को मनाकर घर ले आओ, साथ कायम रहना जरूरी है। चला गया था तो मैं बाहर गली में छुपने के लिए गई थी। तुम्हारा शौहर आया था अपने नाराज बीवी को मना कर घर ले जाने के लिए। अगर आज मैं पकड़ा जाता ना तो जेल में नहीं सीधा सूली पे चढ़ा देता मुर्तसिम खान। क्या मुसीबत है, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। तुम्हारा साया भी नहीं निकलना चाहिए वरना। क्या मतलब? मरा तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा ही गला कटा जाएगा। वो मुर्तसिम खान के तेवर बता रहे थे, वो तुम्हें ढूंढ के ही रहेगा। क्या कह रहा था वो? कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, वो जितना फोर्स अपने साथ लेके घूम रहा है ना, जगह जगह हर घर में चापे मार रहे। मेरा तो दिल चाह रहा था गले लग के मुबारकबाद दे दूं कि भाईजान बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। तो बता देते। हाँ बता देता तो तुम उसे मिल जाती
और मैं किसी को ना मिलता। पता नहीं वो क्यों मुझे ढूंढ रहा और किस उम्मीद पे ढूंढ रहा है। अब मैं फिर कुछ पूछूंगा तो मेरे ऊपर गैर होने का टप्पा लगा दोगी। किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो तुम? हैसियत? तुम हमसे हमारा हैसियत पूछते हैं? हमारा हैसियत वो है जो उस रात को उस वीराने वाली सड़क से उठाकर तुम्हें यहां लेकर आया था। इनके पास पनाह दिया था और तुम हमसे हमारा हैसियत पूछते?